हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी इन प्रोग्रेस पे। जैसे कि हम रीजनिंग पढ़ रहे थे, रीजनिंग हमारा चल रहा था नॉन वर्बल रीजनिंग, यानी क्या आभासिक तर्क शक्ति। इसमें चल रहा था हमारा दूसरा चैप्टर वर्गीकरण। आज इसका दूसरा पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हमने कल देख लिया था कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने ये नहीं देखा है तो देख लेना, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और रीजनिंग चैप्टर के नाम से, जिससे आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज हम बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मैं कोई सी वीडियो डालूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो देख पाएँ। तो शुरू करते हैं। क्या है इसमें? नीचे दिए गए प्रश्नों की आकृतियों में से विषम आकृति चुनिए। क्या करना होता है कि चार या पांच आकृतियाँ दी हुई होती हैं, उनमें से हमें विषम आकृति चुनना होता है। कल हमने इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, आज और क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? इन चारों में से हमें विषम बताना है, यानी अलग बताना है। विषम मतलब क्या होता है? इन चारों में से अलग बताना है। अलग किस बेस पे होता है? कल हमने देख लिया था किस बेस पे होता है। अब हमें बताना है कि ये कैसे अलग है, कोई एक इन चारों में से अलग है, वो क्या है। जैसे इसको देखें, अगर हम पहली देखें तो इसमें कितनी लाइनें हैं? एक तो इधर वाली लाइन एक और इधर वाली लाइन दो, और बीच में एक तीन लाइनों से ये आकृति बनी हुई, यानी ए जो बना हुआ है तीन लाइनों से, तीन रेखा से बना हुआ है। इधर देखें एफ को तो ए भी तीन से बना हुआ है, एक दो और तीन, ये भी तीन से। के को देखें अगर तो एक दो तीन, यह भी तीन से बना हुआ है। अगर इसको देखें डी को तो इसमें क्या है? एक ही लाइन है बस। इसमें क्या था? तीन तीन, सब में तीन लाइनें थी, इसमें क्या है? एक लाइन है और एक अर्धगोला है। तो ये क्या हुआ? यह अलग हो गया, तो डी हो गया हमारा सही। ऐसे ही हमें ढूंढना होता है कि इनमें से कौन सी आकृति अलग है। उसमें कुछ भी रूल लग सकता है, बस हमें विषम ढूंढना होता है। तो क्या हुआ इसमें? डी हो गया हमारा ऑप्शन सही। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेम पहले वाले की तरह ही है। क्या है यह? इनकम टैक्स में आया हुआ है। क्या है इसमें से भी हमें बताना है कि विषम कौन सा है। तो सेम जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही ए भी है। क्या है इसमें? ये जो ए बना हुआ है यह तीन लाइनों से बना हुआ है, एक दो और तीन, यह भी तीन लाइनों से बना हुआ है, एक दो और तीन लाइनों से। और ये क्या है? ये भी तीन लाइनों से, एक दो तीन। इसमें जो ई है ये चार लाइनों से बना हुआ है, एक दो तीन और एक वाली ये चार, चार लाइनों से बना हुआ है, तो ये हो गया अलग। और सारे तीन लाइनों से बने हुए हैं, तीन रेखा से। ये क्या है? चार रेखा से, यानी चार लाइनों से बना हुआ है, तो सी हो गया हमारा सही। ये क्या है? अलग है, तो ऑप्शन सी हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या है इसमें? इसमें ये वाली आकृति दिख रही होगी। तो इसमें क्या है? यह भी किस में आया हुआ है? एसएससी में आया हुआ है। इसमें भी हमें बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है। तो इसमें क्या है? हमने क्या सीखा था? वाटर इमेज बनती है, यानी जल प्रतिबिंब बनता है। कैसे? अगर ये बीच में लाइन खींची हुई है, इसके ऊपर जो ये दो आकृतियाँ हैं, ये दोनों आपस में क्या हैं? वाटर इमेज है, यानी क्या? जल प्रतिबिंब है। इसका जल प्रतिबिंब यह होगा, इसका जल प्रतिबिंब यह होगा और इसका जल प्रतिबिंब यह होगा। अगर हम डी को देखें तो इसका जल प्रतिबिंब यह नहीं है, तो डी हो गया हमारा सही। जल प्रतिबिंब क्या होता है? जैसे जो ऊपर आकृति है ये वाली, इसके जो पास में ये है तो पास में इधर वाली आकृति भी होगी। ये दोनों आपस में पास पास हैं, ये पास में है, ये भी पास में है, इसकी ये पास में है तो इसकी इस लाइन के पास में है। यहाँ क्या है? यहाँ ऐसा नहीं है, यह क्या है? जल प्रतिबिंब नहीं है, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्या है इसमें? भी चार आकृतियाँ हैं। किसमें आया हुआ है? एसएससी में आया हुआ है। तो इसमें से क्या है? इसमें से भी हमें बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है। तो इन चारों में से अलग कौन सी है आप देखो एक बार। तो क्या है इसमें? इसमें बताता हूँ क्या है। ये सारे के सारे जो एरो है, यह एरो क्या है? यह एरो घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी क्या है? यह वामावृत है। ये कैसे चल रही है? ऐसे, घड़ी के विपरीत दिशा में है। इसमें भी और इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में है। इसमें देखें अगर तो इसमें भी घड़ी के विपरीत दिशा में है, यानी ऐसे है। डी में क्या है? डी में ऐसे चल रही है। तो डी में क्या है? यह घड़ी के दिशा में है। यह दक्षिणावृत है। और सब में तीनों में क्या था? वामावृत। इसमें क्या है? दक्षिणावृत। तो ये क्या हो गया? अलग। तो डी ऑप्शन क्या हो गया हमारा? अलग। तो डी हो गया सही।
दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें भी चार आकृतियां हैं, इनमें से हमें विषम बताना है। किसमें आया हुआ है, यह भी एसएससी में आया हुआ है, तो इन चारों में से हमें अलग बताना है कि अलग क्या है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें देख के हम पहचानते हैं। क्या है इसमें, इसमें अगर हम इस वाली आकृति को देखें तो इसमें दोनों क्या हैं, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे काट रहे हैं, यानी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। ये लाइन इसके क्या है, लंबवत है, यानी इसके परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसमें भी सेम यही है, ये लंबवत है, इसके इसके लंबवत है, इसमें भी लंबवत है। लेकिन इसमें अगर देखें हम डी में, तो यह क्या है, यह लंबवत नहीं है, तो डी हो गया हमारा सही। डी ऑप्शन क्या है, अलग है इन तीनों से, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इनमें से बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है। तो क्या है इसमें, अगर हम ए को देखें तो ए में क्या है, ये जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज को जो ये बीच वाली लाइन है दो बराबर भागों में काट रही है। और इसमें देखें अगर, तो ये गोला है, इसमें भी जो ये जो लाइन है इनको दो बराबर भागों में काट रही है। इसमें जो ये डिज़ाइन है इसको भी ये जो बीच वाली लाइन है दो बराबर भागों में काट रही है। अगर इसको देखें बी को, तो इसमें क्या है, ये बराबर भागों में नहीं काट रही। अगर यहाँ होती तो ये भी इनके जैसा हो जाता, लेकिन ये क्या है, बराबर नहीं काट रही, तो बी हो गया हमारा सही। यह क्या है, बराबर भागों में नहीं काट रही है बीच वाली लाइन, तो बी हो गया इन सबसे अलग, तो बी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें भी चार आकृतियां हैं, इनमें से हमें विषम आकृति बताना है कि इनमें से विषम आकृति कौन सी है। तो क्या है इसमें, इसमें दो गोले हैं, इन दोनों गोलों के बीच में एक लाइन है, यह लाइन क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, क्षैतिज। ये क्या है, पैरेलल, और ये क्या है, क्षैतिज। इसमें क्या है, पैरेलल, और इसमें है क्षैतिज। इसमें दोनों में क्या है, दोनों में ही क्या है, क्षैतिज है, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। बस इनमें लाइनों का ही देखना था कि इनमें लाइनें अलग थी, इनमें क्या है, अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें एक ही डायरेक्शन में है, दोनों में क्या है, सेम सेम है, तो ये क्या हो गया, अलग, तो डी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है इन चारों में से अलग बताना है। सेम सारे वैसे ही हमें अलग ही ढूंढना है, तो चार में से अलग ढूंढना है, यह भी किस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। तो इसमें क्या है, बहुत ही आसान है, इसमें क्या है, एक गोला है, गोले के इधर एक तीर है, और इसमें तीर, ये तीर क्या है, दोनों विपरीत दिशा में है, इसमें भी विपरीत दिशा में तीर है, और इसमें देखें अगर, तो इसमें एक ही दिशा में तीर है, इसमें क्या है, विपरीत दिशा में, तो सी हो गया हमारा अलग। क्यों, क्योंकि इसमें जो ये तीर है वह एक ही दिशा में है, और सब में क्या था, अलग दिशा में थी, तो सी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इन चारों में से अलग बताना है, यह भी किस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। तो क्या है, इन चारों को अगर हम देखें तो इसमें जो एरो है, ये वाली एरो क्या है, इस गोले के बाहर की तरफ है, और इसमें देखें तो यहाँ भी बाहर की तरफ है, और यहाँ भी बाहर की तरफ है। बी में अगर हम देखें तो ये एरो क्या है, अंदर की तरफ आ रही है, जो ये गोला है इस गोले के अंदर की तरफ आ रही है, और सब में क्या था, बाहर की तरफ थी ये जो एरो है, तो ये क्या हो गया हमारा, बी हो गया अलग, तो बी ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है ये वाली आकृति दिख रही होगी, यह भी किस में आया हुआ है, एसएससी में आया हुआ है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सी इनमें अलग है। तो इनको अगर हम देखें तो ए, सी और डी, ये क्या है, ये सब जो मेन आकृति है इनकी, ये क्या है, यह खुली हुई आकृति है, और इनके नीचे एक लाइन है, और यहाँ भी क्या है, खुली हुई आकृति, ऊपर खुला हुआ है, नीचे अगर देखें तो यहाँ भी खुला हुआ है। अगर हम B को देखें तो ये हर तरफ से बंद है, और यहाँ इसके नीचे लाइन है, तो बंद आकृति कौन सी है, B, और सारी की सारी खुली हुई है, तो B हो गया हमारा अलग, तो B ऑप्शन हो गया सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें ये त्रिभुज है और बीच में एक डॉट है, यहाँ क्या है, एक चतुर्भुज है, इसमें दो डॉट है, यहाँ भी ये चतुर्भुज है एक तरह से, क्या आयत है, इसमें क्या है, दो डॉट है, और यहाँ क्या है, अष्टभुज है, यहाँ पाँच बिंदु यानी डॉट है। तो अगर इसमें क्या है, ये तीन भुजाएं हैं, तीन भुजाएं और एक जो ये डॉट है, इसका अंतर करें तो दो आ रहा है, यहाँ चार भुजाएं हैं, चार भुजा और इनके बीच में जो ये डॉट है, इसको अंतर करें तो यहाँ भी दो आ रहा है, यहाँ चार भुजाएं हैं और दो है तो दो, और यहाँ क्या है, छह भुजाएं हैं और इनके बीच में ये पाँच डॉट हैं, इनका अंतर करें तो एक आया। इसमें ये क्या था, भुजाओं और डॉट का अंतर
क्या था, सेम था सब में, डी में क्या था, अलग था, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इनमें से हमें अलग बताना है कि इनमें से अलग कौन सी है, सेम वैसे ही। तो क्या है, अगर इसको हम देखें फर्स्ट को, तो इसमें क्या है, एक एरो है यानी एक तीर है और दो पिन है। इसमें क्या है, दो पिन है, एक एरो है यानी एक तीर है, इसमें भी एक तीर है, दो पिन है। लेकिन इसमें देखें तो इसमें क्या है, दो तीर है और एक पिन है, तो दो तीर इसमें है, ये क्या हो गया अलग। और सब में क्या था, एक ही तीर थी, एक तीर और यहाँ एक तीर, इसमें क्या हो गया, दो तीर हो गई, तो ये क्या हो गया अलग, तो डी ऑप्शन हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इन चारों में से अलग बताना है। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत ही छोटी सी चीज़ है, क्या है ये, क्या है एक अलग अलग इसमें आकृतियां हैं, इन आकृतियों के बीच में सब में क्या है, कुछ भी नहीं है, ये ब्लैंक है सारी अंदर। इसमें क्या है, इसमें एक डॉट आ गया है, तो ये क्या हो गया है अलग, इन सब से क्या हो गई है अलग हो गई है। इन सब में क्या है, सब में ब्लैंक है, इसमें क्या है एक नई डिज़ाइन यानी एक आकृति इसके अंदर ही है आ गई है, तो डी हो गया हमारा सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इनमें क्या है, इनमें भी वही बताना है कि चारों में से अलग कौन सी है। तो इसमें क्या है, अगर हम बी को देखें, सी और डी, इनमें क्या है, एक आकृति ऊपर है, नीचे एक आकृति है, ऊपर एक नीचे एक, ऊपर एक नीचे एक, दोनों आकृतियाँ क्या है जुड़ी हुई नहीं है। लेकिन ए में देखें तो ए में क्या है, यह दो आकृतियाँ जुड़ी हुई है, इनमें क्या था, दोनों आकृतियाँ जुड़ी हुई नहीं थी, इस ए में क्या है, दोनों आकृतियाँ जुड़ी हुई हैं, तो ए हो गया हमारा सही। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है इसमें, इसमें भी चार आकृतियाँ हैं, इनमें से हमें विषम बताना है। तो इसमें क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज के ऊपर तीन तीलियां हैं, इसमें देखें तो चार भुजाएं हैं, चार भुजाओं के ऊपर चार तीलियां हैं, इसमें क्या है पंचभुज, पांच भुजाएं हैं, तो इनके ऊपर पांच तीलियां हैं। इसमें क्या है छह भुजाएं, लेकिन ऊपर तीलियां कितनी है पांच, तो ये क्या हो गया अलग, तो बी ऑप्शन हो गया हमारा सही। आशा करता हूँ कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ आए हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अच्छे से रीजनिंग को फुल डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ने के लिए। कल हम देखेंगे कुछ और क्वेश्चन जिससे ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को यहीं रखते हैं, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।